हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नैन सेन एआई के बारे में। यदि आपने अभी तक नैन सेन एआई में ज्वाइन नहीं किया है, पार्टिसिपेट नहीं किया, तो भाई ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले भी मैं वीडियोज बना करके नैन सेन एआई पर दिया हूँ। जो लोग उसमें ज्वाइन किए हैं वो लोग भी इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों उसमें कुछ ही स्टेप को बताया गया था ज्वाइन तक। लेकिन आज की इस वीडियो में ज्वाइन से लेकर के दोस्तों विड्रॉ तक का प्रोसेस बताने वाला हूँ। किस प्रकार से आपको अपना जो है एड्रेस ऐड करना है मेटामास्क या ट्रस्ट वैलेट का, दोस्तों सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके अरखम एयरड्रॉप था, अरखम से कई गुना ज्यादा ये पावरफुल एयरड्रॉप है, क्योंकि दोस्तों अरखम की जो फंडिंग थी वो सिर्फ जो है 12 मिलियन की थी, लेकिन इसमें 82 मिलियन का है दोस्तों, ठीक है ना, कई गुना ज्यादा है दोस्तों, ठीक है ना। और अरखम में जो लोग ज्वाइन किए थे दोस्तों वो $30,000-$40,000 तक का प्रॉफिट उठाए हैं। तो भाई ऐसे एयरड्रॉप को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा दोस्तों। जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको 100% प्रॉफिट होना तय है, ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप इसको मिस करते हो तो शायद आप माइनिंग के क्षेत्र में होने के बाद भी बहुत बड़ा लॉस अपना करोगे, खुद करोगे दोस्तों, ठीक है ना। इस पर बहुत सारे लोग वीडियोस बना चुके हैं, मैं भी वीडियोस बना दिया हूँ, ये दूसरी वीडियो मेरी बन रही है। जो भी प्रोसेस है आपको लाइव बताता हूँ दोस्तों, आप उसको जो है देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसी हिसाब से फॉलो करिएगा। क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के जो है विड्रॉ का प्रोसेस वैलेट को ऐड करना काफी थोड़ा सा जो है टिपिकल है दोस्तों। तो आपको सावधानी से वीडियोस को भी देखना है और रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी स्टेप है उसको फॉलो करना है दोस्तों, ठीक है। आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है इसमें। थोड़ा सा आप लोग हो सके तो रिफर भी लगा लीजिएगा, एयरड्रॉप अभी कमिंग सून में, तब तक मेहनत करके दोस्तों आप लोग लगा लीजिए भाई, रिफरल बढ़ा लीजिए, ठीक है। जिस दिन से एयरड्रॉप आएगा ना, फिर आप समझ लीजिएगा कितना बड़ा आपको प्रॉफिट होने वाला है। चलिए दोस्तों, मैं आपको जो है अपने फोन की स्क्रीन पर ले चलता हूँ, वहीं पर लाइव प्रोसेस जो है दिखाता हूँ कि किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, बैलेट को ऐड करना है और विड्रॉ का जो प्रोसेस है उसको कम्प्लीट करना है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ गया हूं। अब यहां पर जो है कीवी ब्राउज़र को ओपन किया हूं दोस्तों। कीवी ब्राउज़र को जैसे आप ओपन कर लेते हो तो यहां पर सर्च बार होता है दोस्तों, इसी में आपको लिंक को पेस्ट करना है। अब वो लिंक कहां पर मिलेगा दोस्तों, उसके लिए आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। यदि आप ज्वाइन किए हैं तो उस पर जा करके सिंपल सा जो है लिंक को कॉपी करके लाना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। तो चलिए दोस्तों मैं वहाँ पर जो है आपको दिखा देता हूँ कि आखिर में कौन सा लिंक आपको कॉपी करना है। आपको सिंपल से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाना है और यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में ही दो लिंक दिया है, इससे पहले भी मैंने लिंक को प्रोवाइड कराया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर दो लिंक हैं, यदि आपने अभी तक नैन सेन में ज्वाइन नहीं किया है तो पहला वाला लिंक आप क्लिक करिएगा, इस पर क्लिक करने के बाद में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों वेट लिस्ट में जाते हैं, उसके बाद में आपको ये वाला लिंक दूसरा वाला कॉपी करना है। यदि आपने पहले से ही जो है ज्वाइन किया है दोस्तों वेट लिस्ट में है तो आपको ये दूसरा वाला लिंक कॉपी करना है। जैसे ही आप इस पर उंगली रखते हैं दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये कॉपी हो जाएगा। अब आपको डायरेक्ट दोस्तों कीवी ब्राउज़र में चलना है। कीवी ब्राउज़र में आने के बाद दोस्तों जो आपने लिंक को कॉपी किया है यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर उंगली दबा के रखना है, उसके बाद में ये लिंक जो है आपका कॉपी जो किया है आपने ये पेस्ट कर देना है दोस्तों, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में इसको सर्च कर लेना है दोस्तों। जैसे ही आप गो पर क्लिक करोगे तो ये जो है पेज ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से पेज आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर दोस्तों साइन अप पहले करना है, बाद में साइन इन करना है। तो दोस्तों जो आपने ईमेल डाला था नैन सेन में रजिस्ट्रेशन के समय, उसी ईमेल को यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर भी टिक कर देना है दोस्तों, यहाँ टिक कर देना, उसके बाद में साइनअप पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं इतना प्रोसेस कंप्लीट कर ले रहा हूँ, आप लोग भी इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे मैंने ईमेल को डाला, उसके बाद में कंडीशन को फिलअप किया, फिर उसके बाद में साइन अप पर क्लिक किया दोस्तों, तो इस तरीके का हमारे सामने पेज आ गया है। यानी दोस्तों जो है जो मैंने ईमेल को डाला था इसमें उस पर एक लिंक गया होगा, उसको चलते हैं दोस्तों। वहीं पर जो हम टच करेंगे तो हमारा जो है ईमेल वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद ही अगला प्रोसेस हम कर पाएंगे। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे मैं अपने ईमेल बॉक्स को ओपन किया हूँ और यहाँ पर नैन सेन की तरफ से हमारे पास एक ईमेल आ गया। चलिए मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज दिखेगा ईमेल में और यहाँ पर एक लिंक दिखेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो ये हमारा जो ईमेल है वो जो है वेरीफाई होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आ जाएगा। अब इसमें करना क्या है, एक पासवर्ड इसमें बना लेना है, स्ट्रांग पासवर्ड, उसी पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना है दोस्तों, उसके बाद में सबमिट कर देना है। चलिए ये भी प्रोसेस कम्प्लीट कर लेते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने पासवर्ड को बना लिया, अब सबमिट पर क्लिक कर दे रहे हैं। आप लोग भी सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा पासवर्ड के बनाने के बाद में। तो कुछ इस प्रकार से देख लीजिएगा प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया। अब हम सेव पर क्लिक कर देंगे क्योंकि हमारा पासवर्ड जो है सेव हो जाएगा। यदि कभी हम भूल भी जाते हैं दोस्तों तो जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो पासवर्ड हमारा आ जाएगा। अब आपके सामने दोस्तों कुछ इस प्रकार से पेज दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिएगा यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, साइन अप आपने कर लिया, अब आपको साइन इन करना है यानी लॉग इन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है ईमेल डाल देना है, जो ईमेल आपने थोड़ी देर पहले डाला था, और यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको भी जो है फिलअप कर दे रहा हूँ। ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद में साइन इन पर क्लिक कर दे रहा हूँ, आप लोग भी साइन इन पर क्लिक कर दीजिएगा। कुछ इस प्रकार से अब आपके सामने पेज ओपन होकर के आ गया है। अब इसमें आप कुछ चाहते हैं तो एक प्रकार का सर्वे है, इसमें कुछ क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों स्किप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर वर्क सेलेक्ट कर ले रहा हूँ दोस्तों। वर्क को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर दे रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद में ये अगला पेज आ जाएगा, इसमें कुछ भी जो है हम सिलेक्ट कर देंगे दोस्तों। चलिए फिर पहले नंबर पर मैं सिलेक्ट कर दिया हूँ, आप लोग कुछ भी कर दीजिएगा, नहीं स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इसमें बिगनिंग कर देंगे दोस्तों, बिगनर यहाँ पर जो है क्लिक कर देंगे दोस्तों। कुछ इस प्रकार से पेज आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हम सोशल मीडिया जो है यहाँ पर यूट्यूब ट्विटर हैंडल ये सारी चीज़ कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपसे जो है टेलीग्राम यूज़र नेम मांगा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो डिस्कॉर्ड मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप चाहते हो दोस्तों तो आप दे दीजिएगा, नहीं तो ऑप्शनल है, कोई मतलब नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है दोस्तों, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही ये पेज आपके सामने आ जाता है तो आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखता है दोस्तों, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो ये इस प्रकार से डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपको होम के नीचे जो बैलेट का ऑप्शन दिख रहा है, बैलेट प्रोफाइलर पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर दोस्तों एड्रेस डालना है, कौन सा एड्रेस डालना है दोस्तों, मेटा मास्क का जो आपने पहले से कीवी ब्राउजर में मेटा मास्क एक्सटेंशन को ऐड किया है उसको डाल देना है दोस्तों। ये कैसे निकालेंगे दोस्तों उसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। इसी 3 डॉट पर यहाँ पर ऊपर वाले पर दोस्तों क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप 3 डॉट पर क्लिक कर देते हो तो ये डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसको स्क्रॉल करना है, उसके बाद में यहाँ दोस्तों मेटा मास्क है, अब आपको मेटा मास्क पर ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मेटा मास्क पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो जो आपने कीवी ब्राउजर में मेटा मास्क एक्सटेंशन को ऐड किया था वो पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहीं से आपको एड्रेस निकालना है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे मैंने मेटा मास्क पर क्लिक किया तो ये मेटा मास्क ओपन हो गया है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों जो है आपको अपना पासवर्ड डाल करके इसको पहले अनलॉक करना है। तो चलिए मैं अनलॉक कर ले रहा हूँ और आप लोग भी अनलॉक कर लीजिए दोस्तों। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है अनलॉक पर हमने क्लिक कर दिया है पासवर्ड को डाल कर। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है मेटा मास्क हमारा ओपन हो गया है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर एक एड्रेस दिख रहा होगा, इसी एड्रेस को कॉपी करना है दोस्तों और ले चल के दोस्तों पेस्ट करना है। तो चलिए दोस्तों इस पर क्लिक करके हम कॉपी कर लिए दोस्तों। अब चलते हैं डायरेक्ट जो है कीवी ब्राउजर में जहाँ पर जो है हमें वैलेट को ऐड करना है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कीवी ब्राउजर में आ गया हूँ जहाँ पर दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले जो है ओपन किया गया था और वैलेट का एड्रेस मांग रहा था। तो यहीं पर जो है वैलेट एड्रेस को पेस्ट कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पर पेस्ट कर देते हो देख लीजिएगा वैलेट एड्रेस, तो आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना होगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर क्लिक कर देना है शो वैलेट पर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से आपका वैलेट ऐड हो जाता है। तो यहाँ जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करते हो दोस्तों तो ये पेज आता है। अब आपको डेस्कटॉप साइट में इसको ऑन कर लेना है। आप लोगों को जो है ये अपग्रेड प्लान के बगल में पोर्टफोलियो दिख रहा है, इसी पोर्टफोलियो पर आपको क्लिक करना। पोर्टफोलियो पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके का पेज आ जाता है। अब इसको इस पेज को कट कर देना है। जैसे ही आप इसको कट करते हो दोस्तों तो ये पोर्टफोलियो पर आपको क्लिक कर देना है, इसी जो है क्रिएट ए पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से पेज आ जाता है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इंटर योर पोर्टफोलियो नेम, यहाँ पर जो है अपना पोर्टफोलियो वैलेट नेम आप डाल दीजिएगा कोई भी। जैसे हमारा MS एक्सपर्ट है, मैं वो डाल दूंगा, आप कुछ भी डाल सकते हो दोस्तों, पर मैं डाल दिया हूँ दोस्तों MS एक्सपर्ट। उसके बाद में दोस्तों यहाँ जो है जो एरो का निशान दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो देख लीजिएगा, देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से पेज आ गया। अब आपको ये जो ऐड वैलेट दिया गया है दोस्तों, ऐड वैलेट लिखा गया, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड वैलेट पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, देख लीजिएगा। अब इसमें दोस्तों एक बार आपको फिर से जो है अपने वैलेट एड्रेस को डालना है, यानी जो आपने कॉपी किया था मेटा मास्क का, यहाँ पर जो है वैलेट एड्रेस को पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों ऐड पर क्लिक कर देंगे, आप लोग भी ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा।
दोस्तों ऐड पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज आ जाएगा। यहाँ पर जो मेटा मास्क दिख रहा है, इसी मेटा मास्क पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप मेटा मास्क पर क्लिक करते हो दोस्तों, तो ये देख लीजिए कि डायरेक्ट आपको फिर से एक बार मेटा मास्क में ले जा रहा है दोस्तों। सामने कुछ इस प्रकार से पेज आ गया। अब ये कनेक्ट करने के लिए करा दोस्तों, या इसीलिए जो है दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए कनेक्ट विथ मेटा मास्क, ठीक है, वैलेट से। तो चलिए नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। लगा अब दोस्तों कनेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। अब हमें कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए हमारा कनेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आपका जो मेटा मास्क है वो वैलेट से कनेक्ट हो गया है नैनसेन से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कनेक्ट होने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। यदि आप रिफ्रेश करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका अकाउंट नेम दिखेगा, जैसे हमने MS एक्सपर्ट लिखा था दोस्तों, तो यहाँ पर जो है वो आ गया है। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो है वैलेट में जो टोकन रहेंगे वो दिखेगा दोस्तों, बैलेंस, उसका प्राइस, सारा चीज़ दिखेगा। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों पोर्टफोलियो है। अब पोर्टफोलियो पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपका जो ये वैलेट है वो वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज़ आपके सामने दिखने लगेगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, यानी नैनसेन का जो अकाउंट है दोस्तों और हमारा वैलेट जो ऐड हुआ है मेटा मास्क, वो वेरीफाई हो गया। थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहे हैं दोस्तों, ये देख लीजिएगा। यदि आपको दोस्तों ये नहीं देखने को मिलता है तो आप पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पर जाइएगा, उसके बाद में अकाउंट पर क्लिक करिएगा दोस्तों। अकाउंट यहाँ पर नीचे है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर पोर्टफोलियो है। जैसे ही पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपका ये जो वैलेट है वो वेरीफाई दिखेगा। तो दोस्तों इतना ही कुछ जो है इसमें प्रोसेस है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे जो है क्लेम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।